शुगर इंडस्ट्री की हालत पहले अच्छी नहीं थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुगर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। आज गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं, सीधे एथेनॉल निकालने को सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में आए और शुगर इंडस्ट्री उद्योग लगाएं। यह बात प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शनिवार को कही। वह होटल ताज एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित शुगर समिट 2022 कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उनका कहना था, प्रदेश में उद्योगों को लेकर परिवेश बेहतर हुआ है, देसी विदेशी निवेशक आने को उत्साहित हैं। आयोजन में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और फिल्म अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने विभिन्न श्रेणी के विजेता उद्यमियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, यह अवार्ड उन व्यक्तियों व कंपनियों को दिए गए जिन्होंने उत्कृष्टता, नैतिक मानकों व कॉरपोरेट प्रशासन में मानक स्थापित किए हैं। मैं अभी कल तक की फिगर बता रहा हूँ कि हम लोग 90% के आसपास लगभग 89% या 90% गन्ना किसानों को भुगतान कर चुके हैं और कुछ जो शेष बचा है उस पर भी हम लोगों ने बैठ के बातचीत करी है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह गन्ना किसानों को लेकर गंभीर हैं, सरकार पूरी तरह गंभीर है और हम लोगों का प्रयास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले गन्ना किसानों को भुगतान किया। इस समस्या का जो रूट जड़ है वो चीनी मिलों की खस्ता हाल था, तो इसका जो निस्तारण करने के लिए आप लोगों ने कोई नीति बनाई है? देखिए, गन्ना किसानों का हाल, हमसे पूर्ववर्ती सरकारों में गन्ने की स्थिति खराब हुई, सालों पेमेंट नहीं होता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की कमान यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली, हमने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया। गन्ने किसानों की आय को बढ़ाया, उनकी लागत को कम किया और गन्ना किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया। जैसे नैनो यूरिया का है, ड्रिप सिंचाई का है, यूनिकोड जारी किया, गन्ने में जो बिचौलिए होते थे उन बिचौलियोंपन को, फेक सट्टों को ख़त्म करने का काम किया और गन्ना किसानों को कोविड जैसे कोविड काल में भी, जो कि वैश्विक महामारी थी, हमने ना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कोई भी ना शुगर मिल बंद हुई ना किसी गन्ना किसान को कोई परेशानी। तो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि सरकार में जो भी काम हुए सब हमारे, आज भी उन्होंने वीडियो ट्वीट किए कि भाजपा के विधायक जो है विधानसभा में गेम खेल रहे हैं और गुटखा। देखिए, जहाँ ये आपको भी पता है और उत्तर प्रदेश की सभी देवतुल्य जनता जानती है, हमने चीनी मिलों को चलाने का काम किया। पिछली बार हमने 3 चीनी मिलें चलाई, पूर्ववर्ती सरकारों में चीनी मिलें बंद हुई, चलाई नहीं गई। गन्ना किसानों का कितना बकाया भुगतान उनके समय का था वो हम लोगों ने करने का काम किया।